जनता दल यानी कि आरजेडी को लगा है, जिसके पास पहले चार में से दो सीटें बेलागंज और रामगढ़ की थी, लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी ने झारखंड विधानसभा चुनाव में भी चौंका दिया। राष्ट्रीय जनता दल ने झारखंड में छह सीटों पर चुनाव लड़ा था और इसमें से उसने चार सीटों पर जीत दर्ज की। आरजेडी उम्मीदवारों ने चार विधानसभा सीटों पर भाजपा के मौजूदा विधायकों को शिकस्त दी। 2019 में आरजेडी केवल चतरा सीट जीतने में सफल रही थी, जहां पर सत्यानंद भोक्ता ने जीत दर्ज की थी। इस बार आरजेडी के देवघर से उम्मीदवार रहे सुरेश पासवान ने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी और बीजेपी के मौजूदा विधायक नारायण दास को 39,721 मतों से हराया और गुड्डा में आरजेडी के संजय प्रसाद यादव ने भाजपा विधायक अमित कुमार मंडल को 21,471 मतों से हराया। पार्टी उम्मीदवार नरेश प्रसाद सिंह ने भाजपा के विश्रामपुर विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी को 14,587 मतों से हराया। हुसैनाबाद में आरजेडी के संजय कुमार सिंह यादव ने भाजपा के विधायक कमलेश कुमार सिंह को 34,364 मतों से हराया। कोडरमा में आरजेडी उम्मीदवार सुभाष प्रसाद यादव, जो शुरुआती रुझानों में आगे चल रहे थे, बीजेपी की मौजूदा विधायक नीरा यादव से 5,815 मतों से हार गए। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीब माने जाने वाले सुभाष प्रसाद यादव को हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी। पार्टी उम्मीदवार रश्मि प्रकाश भी चतरा सीट से, लोजपा रामविलास के जनार्दन पासवान से 18,401 मतों से हार गई और भोक्ता ने इस बार चुनाव नहीं लड़ा और उनकी बहू रश्मि प्रकाश को टिकट दिया गया था। आपको बता दें कि झारखंड में आरजेडी ने इंडिया ब्लॉक के तहत चुनाव लड़ा था और शानदार जीत हासिल करते हुए 81 में से 56 सीटों पर जीत हासिल की। इसमें हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी JMM ने 34, कांग्रेस ने 16, आरजेडी ने 4 और CPIML ने 2 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं विपक्षी NDA गठबंधन को महज 24 सीटों पर संतोष करना पड़ा, जिसमें बीजेपी 21 सीट ही जीत पाई। तो बिहार में हार और झारखंड में आरजेडी की जीत को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बिहार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए बिहार तक।